हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आई हिना वेलकम यू ऑल इन एग्रीकल्चर एडा 24/7। तो गाइस कैसे हैं भाई आप लोग? वेरी गुड इवनिंग कीर्ति, दिशा, योगेश, प्रीत, अखिल, भूमिका, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि 4 बज चुके हैं और अब हम लोग करने वाले हैं क्रॉप फिजियोलॉजी की MCQ वाली क्लास। तो गाइस मैं आज आपके लिए अगेन MCQs लेके आई हूँ काफ़ी सारे, ठीक है। और हाँ, आज फ्राइडे और सैटरडे जो है गाइस, हम लोग प्रीवियस जो पहले हम क्वेश्चंस कर चुके हैं वो वाले क्वेश्चंस हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, देखते हैं आपका स्कोर कितना जाता है गाइस। और मेरे साथ अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, एटलीस्ट पता चलेगा कि भाई कितने सारे स्टूडेंट्स किस तरीके से कहाँ आप लोग का प्रिपरेशन का लेवल चल रहा है। क्योंकि देखो, क्रॉप फिजियोलॉजी में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन गाइस शेयर ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। क्रॉप फिजियोलॉजी में हम लोग 200 से ऊपर क्वेश्चंस लगभग आई थिंक कर ही चुके हैं। तो गाइस उसमें देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस आज सही आते हैं, ठीक है गाइस। ओके, तो चलो भाई आज के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो। सबसे पहले आप लोग एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और डाउनलोड कर लीजिए इसके ऐप को। ओके, वेरी गुड इवनिंग अंकित, वेरी गुड इवनिंग तनुजा, प्रमोद, वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो भाई आपकी क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो और आपके ऑब्जेक्टिव भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो फटाफट से गाइज आंसर कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉज डिले इन लीफ सेनेसेंस? लीफ सेनेसेंस में डिले कौन से हार्मोन की वजह से होता है? एब्सेसिक एसिड, इथाइलिन, ऑक्सिन या फिर साइटोकाइनिन? तो गाइज मॉर्निंग की तरह ये क्वेश्चन भी आप लोग फटाफट से करो, जैसे आप लोगों ने मॉर्निंग में बहुत क्विक आंसर किए थे। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। तो गाइज आई होप कि अभी के आंसर भी आप लोग बहुत क्विक करोगे, ठीक है। तो जल्दी से गाइस इन क्वेश्चंस के आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा। ओके, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। दिशा, वेरी गुड इवनिंग। कीर्ति, वेरी गुड इवनिंग। सत्य, गाइस फटाफट से आंसर करो। दिशा का आंसर आ गया बी। गाइस फटाफट से आंसर करो, क्या आंसर होगा। कौन सा हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है जो डिले करता है सेनेसेंस में? प्रमोद कुमार का आंसर आ गया है साइटोकाइनिन। ओके, प्रीत का आंसर आ गया है बी। ओके गाइस फटाफट से आंसर करो, और जो पेड वाले स्टूडेंट है यार जल्दी से आंसर करो, आप लोगों को सारी चीज डिटेल में बताएगी। फटाफट से आंसर करो, सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर करो गाइस, क्या आंसर होगा फटाफट से बताओ। दीपक गुजर ए, ओके। हरिवंश सी, ओके। अंकित मल्होत्रा डी, ओके। गाइस फटाफट से आंसर करो। जय हिंद हरिवंश। ओके गाइस, तो डी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। साइटोकाइंस यहाँ पर आपका आंसर होगा, ठीक है। ओके, जितने स्टूडेंट डी कर रहे हैं आंसर सही है। डेफिशिएंसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉज ड्वार्फिज्म इन प्लांट? अब जल्दी से बताओ, कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से ड्वार्फिज्म कॉज होता है प्लांट में? फटाफट से आंसर कीजिए। इथाइलिन, एब्सेसिक एसिड, जिबरेलिन और ब्रेसिनोस्टेरॉइड? तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपका टाइम भी स्टार्ट हो गया है गाइस। ओके, फटाफट से आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा। वेरी गुड इवनिंग आरुषि, जल्दी से आंसर कीजिए गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर करो। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉज ड्वार्फिज्म इन प्लांट? वेरी गुड इवनिंग कमला कांत, डी डी। ओके, तनुजा और अंकित का आंसर डी है, हरिवंश का आंसर है सी, तनुजा का आंसर है डी। ओके 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 ओके, दीपक गुजर का आंसर है सी। गाइस जितने भी स्टूडेंट ने डी आंसर किया है, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। ओके, ब्रेसिनोइड्स यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है, ब्रेसिनोइड्स यहाँ पर आपका आंसर होगा। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेम ऑफ द फर्स्ट नेचुरली अकरिंग साइटोकाइंस। नेचुरली अकरिंग साइटोकाइंस इनमें से कौन सा है, फटाफट से बताओ। आपका नियोजैंथिन होगा, जैंथोइन होगा, जियाटिन होगा या आइसोपेंटेनाइल एडेनिन होगा? जल्दी से बताइए गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यार, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गाइस, जल्दी से बताओ। नेम ऑफ द फर्स्ट नेचुरली अकरिंग साइटोकाइंस, नेचुरली अकरिंग साइटोकाइंस कौन सा है इनमें, जल्दी से बताइए गाइस आंसर क्या होगा। अंकित मल्होत्रा सी आंसर करे, ओके। जैंथिन, तनुजा का आंसर भी सी आ रहा है। ओके 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 गाइस बिल्कुल सही, जितने स्टूडेंट सी आंसर करें उनका आंसर सही है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जैंथिन वाज फर्स्ट नेचुरली अकरिंग साइटोकाइंस इन द प्रेजेंट इज प्रेजेंट इन क्रॉप वीट, कॉर्न, राइस और ऑल ऑफ द अबव? तो फटाफट से आंसर करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ गाइस। जियाटिन जो है आपका, ये नेचुरली अकरिंग साइटोकाइंस है, लेकिन ये कौन सी क्रॉप में मिला है, फटाफट से बताओ कौन सी क्रॉप में ये आपका प्रेजेंट है इनमें से, जल्दी से बताओ। वीट में होगा, राइस, कॉर्न में होगा, राइस में होगा या फिर ऑल ऑफ दीज में होगा, फटाफट से बताओ। हाँ जल्दी से आंसर आ गए हैं भाई, आपका टाइमर ऑन नहीं हुआ क्या?
ओके तनुजा, अंकित, दिशा, प्रमोद, ओके हाँ अखिल तुम्हारा नाम भी ले लिया, हाँ ले लिया तुम्हारा नाम, आंसर करोगे तो नाम लूंगी ना फिर तो। ओके 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 गाइस बिल्कुल कॉर्न आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। जिबरलिन दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द शूट ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय विच मीडियम। जिबरलिन जो आपका सिंथेसाइज होता है शूट में, वो प्लांट के कौन से वो आपके प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है बाय विच मीडियम। जाइलम होगा या फिर आपका सीव ट्यूब होगा, एल्यूरॉन लेयर होगा या फिर फ्लोएम होगा। फटाफट से आंसर करो क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए गाइज आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। बी, ओके डी, ओके फाइव का बी होगा। जल्दी है? नहीं मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं तो आपकी स्पीड भी बढ़नी चाहिए। ओके मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, मैं लेट भी कर सकती हूँ, बट ये है कि आप लोगों के आंसर्स चेक करने, आप लोगों को आंसर कितने ज्यादा याद है, आप लोगों ने रिविजन किया या नहीं किया। ओके बी बी बी, सारे स्टूडेंट बी आंसर कर रहे हैं। ओके 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 बी आंसर कर रहे हो सारे स्टूडेंट। यार आंसर होगा फ्लोएम, ठीक है फ्लोएम के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट इज बोल्टिंग, बोल्टिंग क्या होता है, इंटरनोड इलोंगेशन होगा या फिर रूटिंग होगा, शूटिंग होगा या फिर शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा गाइस, अखिल थोड़ी देर पढ़ाई में ध्यान दे लो, पढ़ लो थोड़ी देर। हाँ ओके 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 ए आंसर कर रहे हैं सारे स्टूडेंट गाइस, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया, इंटरनोड इलोंगेशन। ये चीज याद रखना, बोल्टिंग होता है आपका इंटरनोड इलोंगेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। नेम ऑफ द साइट जिबरलिन सिंथेसिस, इसमें से कौन सी साइट है जहां पर जिबरलिन सिंथेसिस होगा। एंडोस्पर्म होगा, कॉलियोप्टाइल टिप होगा, यंग लीव्स होगा या फिर आपका सिटुलियम होगा। जल्दी से बताओ गाइस आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए गाइस, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। हाँ जी कौशल यादव ए आंसर होगा आपका, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी साइट है जहां पर जिबरलिन आपका सिंथेसाइज होता है। गाइस क्विकली आंसर कीजिए क्या आंसर होगा, सॉल्व कर चुके हैं तो आई होप कि आप लोग बहुत जल्दी आंसर करोगे। फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। दिशा बनर्जी का आंसर आ गया, वेरी गुड दिशा, बिल्कुल सही आंसर किया है, एंडोस्पर्म आंसर होगा, ठीक है। हाँ अंकित मल्होत्रा आपका आंसर बिल्कुल सही है। हरिवंश ने क्यों आंसर किया, क्यों दीपक, सी आंसर नहीं होगा, ए आंसर होगा, ठीक है। चलो जितने स्टूडेंट ने ए आंसर किया बिल्कुल सही आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेम ऑफ अमाइनो एसिड विच एक्ट्स एज अ प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन बायोसिंथेसिस, कौन सा इनमें ऐसा अमाइनो एसिड है जो ऑक्सिन बायोसिंथेसिस में एज अ प्रिकर्सर वर्क करता है। सीरीन होगा, ट्रिप्टोफेन होगा, वैलिन होगा या फिर टायरोसिन होगा। जल्दी से बताओ गाइस आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा प्रिकर्सर है जो एज अ ऑक्सिन बायोसिंथेसिस वर्क करेगा, एज अ प्रिकर्सर वर्क करेगा ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस में। बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, ट्रिप्टोफेन। ओके प्रमोद, जितने भी स्टूडेंट भाई ट्रिप्टोफेन आंसर कर रहे हैं आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है गाइस, ट्रिप्टोफेन यहां पर आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेम द प्लांट इन विच ऑक्सिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, कौन सा प्लांट था जिसके अंदर ऑक्सिन को डिस्कवर किया गया था, ठीक है। मस्टर्ड होगा, पी होगा, ओट होगा या फिर राइस होगा। हाँ जी हरिवंश, दीपक, कमलाकांत बिल्कुल सही आंसर किए हो, बी होगा। हाँ जी कौशल आपका आंसर बिल्कुल सही है, बी आंसर होगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। नेम ऑफ द प्लांट इन विच ऑक्सिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, पहली बार ऑक्सिन को डिस्कवर किया गया था कौन से प्लांट में किया गया था, जल्दी से बताओ। नाइन का सी आंसर करे हैं दिशा, सी ओके, कीर्ति, अखिल, भूमिका, ओके भूमिका, ओके सारे स्टूडेंट सी आंसर करें गाइस, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, ओट्स आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ग्रोथ रेगुलेटर विच कंट्रोल द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर, कौन से ऐसे ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो आपके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होंगे आपके या फिर माइक्रो एलिमेंट होंगे, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे या फिर फाइटो हार्मोन्स होंगे। गाइस जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ यार,
फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा गाइस, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। कौन से हैं इनमें से जिनको एज अ ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज करा जाएगा? डी अंकित मल्होत्रा। ओके फाइटो हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स। ओके गाइस बिल्कुल सही, जितने स्टूडेंट फाइटो हार्मोन्स आंसर कर रहे हैं उनके आंसर बिल्कुल सही है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ब्रेसिनोस्टेरॉइड, पॉलीएमाइंस और सैलिसिलिक एसिड। क्या आंसर होगा फटाफट से बताओ। ऑप्शंस भी आप लोगों को दे रही हूँ, सॉरी ऑप्शंस दे दिए हैं, टाइमर ऑन कर दिया है। फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा है जो आपका प्लांट हार्मोन नहीं है, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। हाँ जी भूमिका, फाइटो हार्मोन्स होगा, कौशल फाइटो हार्मोन्स आंसर होगा। फाइटो हार्मोन्स मींस प्लांट हार्मोन, क्योंकि मैंने बताया था फाइटोन मींस क्या होता है, प्लांट होता है। ठीक है तरुजा का आंसर आ गया है, ए आंसर होगा। ओके गाइस अंकित मल्होत्रा भी 11 का ए आंसर करें, बिल्कुल सही, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यहाँ पर आंसर होगा क्योंकि एनिमल हार्मोन होता है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेम ऑफ रेड लाइट सेंसिटिव सिस्टम, रेड लाइट सेंसिटिव सिस्टम कौन सा होगा? फाइटोक्रोम होगा, क्रिप्टोक्रोम होगा, फोटोट्रोपिन होगा या फिर जेंथोफिल होगा। फटाफट से बताइए गाइस आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। नेम ऑफ रेड लाइट सेंसिटिव सिस्टम इज फाइटोक्रोम या फिर आपका क्रिप्टोक्रोम होगा, फोटोट्रोपिन होगा या फिर जेंथोफिल होगा। हाँ जी एनिमल हार्मोन, बिल्कुल सही बोला है तनुजा, एनिमल हार्मोन है। हाँ जी कमलाकांत का आंसर आ गया है, ए आंसर कर रहे हैं। ओके भूमिका सिन्हा ए, दिशा बनर्जी ए। ओके क्या होगा 12 का आंसर बताओ जल्दी से, ए। ओके 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 बिल्कुल सही गाइस, ए आंसर जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, फाइटो हार्मोन यहाँ पर आंसर होगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस। लाइट डिपेंडेंट चेंजेस इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपार्ट फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस इज नोन एज फाइटोक्रोम, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो ये बोल रहा है कि आपका जो लाइट डिपेंडेंट चेंजेस हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपार्ट फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस इज नोन एज, तो फोटोसिंथेसिस को छोड़ करके बाकी जो आपके लाइट डिपेंडेंट चेंजेस होते हैं आपके किसमें, प्लांट की ग्रोथ एंड आप प्लांट के डेवलपमेंट में, उनको क्या बोला जाता है फटाफट से बताओ गाइस, जल्दी से बताइए उनको क्या बोला जाता है, जल्दी से बताइए गाइस क्या बोला जाता है, क्या बोलोगे उनको? डी आंसर आ रहा है। ओके दिशा बनर्जी, अंकित, कीर्ति, ओके अखिल, डी आंसर कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स। ओके दीपक गुज्जर डी। ओके गाइस बिल्कुल सही आंसर किया यार, फोटोमॉर्फोजेनेसिस यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम ऑफ ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर इज ऑफ प्लांट, फोटो रिसेप्टर ऑफ प्लांट कौन सा, ब्लू लाइट का फोटो रिसेप्टर प्लांट में कौन सा होगा, फोटोक्रोम होगा, क्रिप्टोक्रोम होगा या फिर फोटोट्रोपिन होगा या वर्नेलिन्स होगा, जल्दी से बताइए गाइस आंसर क्या होगा, टाइमर भी ऑन हो गया। ब्लू लाइट, अभी रेड लाइट की बात नहीं करा, ब्लू लाइट की बात करा, ब्लू लाइट एक्सेप्टर कौन सा होगा इनमें? ओके कौशल यादव डी, कमलाकांत डी। ओके जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा गाइस, क्विकली आंसर कीजिए आंसर क्या होगा। दिशा का आंसर आ गया 14 का बी, अंकित मल्होत्रा भी बी कह रहे हैं, कीर्ति मिश्रा बी। ओके तनुजा अखिल बी, अंकित मल्होत्रा बी। ओके हरिवंश बी, भूमिका भी बी आंसर करिए। ओके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बी आंसर करें गाइस, बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हो, क्रिप्टोक्रोम होगा, क्या आंसर होगा, क्रिप्टोक्रोम। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम, साइटोक्रोम का फंक्शन इनमें से नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा गाइस, इनहिबिशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन, स्टिमुलेशन ऑफ लीफ एक्सपेंशन, सीड जर्मिनेशन या फिर रेगुलेशन ऑफ फ्लोरल इनिशिएशन, तो क्या होगा गाइस इनमें से, आंसर फटाफट से कीजिए, आपका टाइमर भी ऑन हो गया है। ओहो ये गलत क्वेश्चन क्यों आ गया, जल्दी से बताइए गाइस आंसर क्या होगा, टाइमर ऑन हो गया है, जल्दी से बताइए गाइस आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा। कीर्ति मिश्रा सी आंसर होगा, ओके दिशा सी आंसर होगा, अखिल सी, हरिवंश सी आंसर होगा, सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। ओके ओके गाइस तो 15 का सी आंसर लॉक कर दें, सही आंसर कर रहे हो ना सारे, कॉन्फिडेंट हो आंसर्स पे,
लॉक कर दे आपका आंसर। चलो ठीक है, लॉक कर देते हैं। जितने एक मिनट, ये क्या हो गया? आंसर क्यों चेंज हो गया इसमें? क्वेश्चन ये क्या हो गया? बिल्कुल सही गाइज, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया। सीड जर्मिनेशन आंसर होगा, ठीक है। सीड जर्मिनेशन आपका फंक्शन नहीं होता साइटोक्रोम का, ये आपका फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करता है, ये आपकी बाकी एक्टिविटीज में आपका इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए सीड जर्मिनेशन, क्योंकि क्या करता है, इनिशिएशन करता है प्लांट का, तो सीड जर्मिनेशन में आपका यूज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। साइटोक्रोम जो है सीड जर्मिनेशन, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका किससे रिएक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस में। मैंने आप लोगों को जेड स्कीम में ये चीज ऑलरेडी बताई हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट कैन बी इंक्रीज बाय, एब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का रूट के थ्रू, ये आपका किस कैसे इंक्रीज करता है? इंक्रीज ट्रांसपिरेशन, इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिक्रीज ट्रांसपिरेशन और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। तो जल्दी से आंसर करो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो एब्जॉर्प्शन रेट है वाटर का बाय रूट, ठीक है, रूट के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन रेट है वाटर का, वो आपका इंक्रीज हो जाता है। पर कैसे इंक्रीज होता है? इंक्रीज ट्रांसपिरेशन रेट, ट्रांसपिरेशन रेट को इंक्रीज करके होता है, या फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करके होता है, डिक्रीज ट्रांसपिरेशन होगा, या फिर डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन। प्रमोद ए आंसर होगा, कीर्ति मिश्रा 16 का ए होगा, ओके, हरिवंश ए, तनुजा ए, ओके, हाँ कीर्ति आपका आंसर मैंने देख लिया है, कमलाकांत द्विवेदी 16 का ए आंसर होगा, ओके गाइज, जितने स्टूडेंट देख रहे हो यार, सारे स्टूडेंट आंसर करो, और अगर सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करो, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन है गाइज की, लास्ट टाइम एक्चुअली मैं बताना भूल गई थी, अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सेशन में जितने भी स्टूडेंट आए हैं, सैटरडे को मैं रबर बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊंगी, ठीक है, तो आप लोग रबर बोर्ड को टाइमिंग मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दूंगी, ठीक है, जब भी मैं शॉर्ट डालूंगी तो उसमें बता दूंगी, आप लोगों को पता चल जाएगा जितने भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर अड्डा के ऐप में है, ठीक है। तो आप लोग जो है, जो भी टाइमिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग रबर बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व जरूर देख लीजिएगा, जो भी मैं उसमें आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। तो सैटरडे को मैं लेके आऊंगी, तो सारे स्टूडेंट देख लीजिएगा, ठीक है। कौशल ए आंसर होगा, ओके गाइज, बिल्कुल सही यार आप लोगों ने आंसर किया, इंक्रीज ट्रांसपिरेशन, जब आपका ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज करता है, ठीक है, जब आपका ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज करता है तब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो है रूट का बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है, ट्रांसपिरेशन पुल। चलो, वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर व्हेन द एक्सटर्नल मीडियम इज, जब आपका एक्सटर्नल मीडियम जो होगा वो कैसा होगा, आइसोटोनिक होगा, हाइपरटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा, या फिर विस्कस होगा, तो जो प्लांट रूट है वो रूट हेयर्स हैं, वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं। जल्दी से बताइए गाइज, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका समय भी शुरू हो गया है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए गाइज आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। हाइपोटोनिक, ओके, ओके, सी आंसर कर रहे हैं, हाइपोटोनिक। अंकित, हरिवंश, अखिल, कीर्ति, सी आंसर, ओके, तनुजा, अंकित मल्होत्रा, सी आंसर कर रहे हैं, कौशल यादव, ओके 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 गाइस, बिल्कुल सही, सी आंसर बिल्कुल सही है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जब आपका एक्सटर्नल मीडियम अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगा, जब उसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, तो तब वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा एक्सटर्नल मीडियम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूट इज लो, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जब आपका बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉइल सॉल्यूट का, वो जब लो होगा, तो वाटर एब्जॉर्प्शन रेट रिटार्ट करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेन सेम, या फिर स्टॉप कंप्लीटली, क्या होगा आंसर, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताइए गाइस आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ, इसके सारे क्वेश्चंस हो गए, अभी रहते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, सॉल्व करते जाओ आराम से, अभी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जल्दी से बताओ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूट इज लो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूट लो होगा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या होगा, इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए गाइस।
वो बस सैटरडे। अच्छा आप सैटरडे को लेके तो नहीं सोच रहे हो ना कहीं? सैटरडे को लेकर के आऊंगी, टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूंगी। देखो वो मैं जनरल सेशन लूंगी, ठीक है, वो मैं जनरल सेशन लूंगी। इसके क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुए, इफको का जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक जनरली ये जो आपकी ऑब्जेक्टिव वाली क्लास है कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। ये तब तक तो आई होप शायद बंद नहीं होगी, ठीक है। वो सेशन है तो वो मैं सुबह 8 बजे भी कर सकती हूँ, शाम को भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए वो मैं अभी पहले ही बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सैटरडे को अगर मैं सेशन लूंगी तो ये वाली क्लास नहीं लूंगी, ऐसा कुछ नहीं, ये वाली क्लास होगी आपकी, ठीक है। बी होगा, ओके। आशु गुप्ता, कौशल, तनुजा, दिशा, अंकित, योगेश, सारे स्टूडेंट बी आंसर कर रहे हैं। इंक्रीजेस इंक्रीजेस इंक्रीजेस, ओके 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 गाइज, बिल्कुल सही। जितने भी स्टूडेंट यार बी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉइल सोल्यूट का अगर वो लो हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैपिड टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, इनमें से ये रैपिड टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन सा होगा, पैसिव होगा या फिर आपका एक्टिव होगा, रूट होगा या फिर सॉल्ट एब्जॉर्प्शन होगा। जल्दी से बताइए गाइस आंसर क्या होगा यहाँ पर, फटाफट से बताइए। टाइम क्या होगा क्लास का, कीर्ति मैं आप लोगों को शॉर्ट वही बता रही हूँ कि जब मैं शॉर्ट डालूंगी तो शॉर्ट में इन्फॉर्म कर दूंगी। एग्रीकल्चर अड्डा का जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया है उन स्टूडेंट्स को दिख जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये आप सब लोगों ने किया ही होगा, तो जब मैं शॉर्ट डालूंगी उसमें आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। क्या टाइमिंग होगी, विकास बी आंसर होगा, तनुजा बी आंसर होगा, ओके। अंकित मल्होत्रा ए आंसर होगा, ओके। कीर्ति मिश्रा बी, दिशा बी, ओके। गौरव बी, ओके। हरिवंश ए, गाइस ए आंसर होगा, ठीक है, आंसर होगा ए, पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मैंने बताया भी था रीजन इसका, पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी इज नॉट यूज्ड, द ट्रांसपिरेशन पूल प्रोवाइड फोर्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, द रूट रेस्पिरेशन गिव्स एनर्जी और द फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड एनर्जी। तो जल्दी से बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। ये कह रहा है कि इसमें एनर्जी नहीं लगती है एक्टिव एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। दूसरे में कह रहा है कि ट्रांसपिरेशन पुल जो है, ट्रांसपिरेशन फोर्स जो है, पुल प्रोवाइड फोर्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, कि जो ट्रांसपिरेशन को ट्रांसपिरेशन जब होगा तो उसकी वजह से एक स्ट्रेस होगा कि यार वाटर लॉस हो रहा है तो पानी नहीं है, तो वो बोलेगा रूट को कि नीचे से खींचो आप पानी, ठीक है। या तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए फोर्स होगा, या फिर आपका रूट रेस्पिरेशन एनर्जी देगा, या फिर आपका फोटोसिंथेसिस एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्या होगा, कौशल यादव ए होगा मैम, विकास सी होगा, ओके। कीर्ति बी आंसर होगा, हरिवंश कह रहे हैं बी आंसर होगा, ओके। फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा गाइस, आंसर होगा सी, ठीक है। रूट रेस्पिरेशन गिव्स एनर्जी, यहाँ पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यार एक बात बताओ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को तो रूट करती है ना, तो रूट रेस्पिरेशन की वजह से यहाँ पर एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक मिनट, चलो ये क्वेश्चन आपके थे, अब नेक्स्ट में आप लोग देख लो गाइज। ये आपका एग्रीकल्चर का महापैक है, ठीक है, इस पे अभी 80% ऑफ चल रहा है, एग्रीकल्चर के महापैक पे 80% ऑफ चल रहा है गाइज। तो आपको Y4 और 4 7 कोड लगाना है, ठीक है। क्या लगाओगे, Y4 और 4 7 कोड लगाओगे और ये कोड लगा करके आप लोग एग्री का महापैक परचेस कर सकते हो। ये आपकी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, मैं जैसे हर बार बता दूं, इसमें FCI भी है, ओके, इफको भी है इसमें, IBPS SO भी है इसमें, ठीक है, जो आपका FO का एग्जाम होता है। इसके अलावा इसमें नाबार्ड का भी सारी इसमें क्या है, आपकी सीरीज मिल जाएंगी, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा गाइज इसमें, नाबार्ड का, इफको का, FCI का और IBPS SO का और जितने भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए, ठीक है। 100% कैसी बात करते हो तुम लोग, 100% हो जाएगा क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है, 80% ऑफ है इसमें, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट को परचेस करना है, Y4 4 7 आप कोड यूज कर सकते हो, 4 और 4 7 आपको कोड यूज करना है, उसमें आपको 80% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है गाइस, ओके। और इसके अलावा जो स्टूडेंट इफको वाली टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं, यार इफको वाली टेस्ट सीरीज लगभग हर किसी के लिए है, सारे स्टूडेंट आप लोग उसे ले सकते हो, ठीक है। तो इफको वाली टेस्ट सीरीज अगर परचेस करिए तो आप Y4 और 4 7 कोड लगा के इसे परचेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट इफको बैच में आना चाहते हैं तो सिलेबस तो ऑल्दो हो गया है, पर ठीक है आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हो गाइस, ताकि और ज़्यादा सिलेबस उसमें अभी आगे ना बढ़ जाए, इसलिए जो स्टूडेंट आप लोग बैच परचेस करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये आपका आज का सेशन था, अब मैं आपको मिलूंगी 9 से 10 वाले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है गाइस, ओके। तो तब तक के लिए बाय बाय।